इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। आज हमारे देश में टोल बूथ के जरिए मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं पर हुए खर्चे की भरपाई के लिए किया जाता है। काफी लोगों को टोल बूथ एक नई बात लगती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि मुंबई से करीब 165 किलोमीटर दूर भारत का सबसे पुराना टोल बूथ हुआ करता था। इस टोल बूथ पर आपको एक बड़ा घड़ा नजर आएगा। यहाँ से गुजरने के लिए व्यापारियों को इसमें टैक्स के रूप में सिक्के डालने होते थे। ये टोल बूथ नाने घाट है, जो आधुनिक महाराष्ट्र के मावर क्षेत्र में है। ये बूथ पहली ईसा पूर्व शताब्दी में सातवाहन वंश के समय का है। उस समय के घाट कल्याण और सोपारा बंदरगाहों को जुन्नर से जोड़ता था, जो सातवाहन शासकों की पुरानी राजधानी हुआ करता था। दरअसल ये पूरा इलाका व्यापार के एक महत्वपूर्ण राजमार्ग का हिस्सा हुआ करता था, जो दक्षिण पथ की एक शाखा था। ये राजमार्ग उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता था। रोम और विश्व के अन्य हिस्सों से व्यापारी इन बंदरगाहों पर आते थे और फिर यहाँ से नानेघाट से होते हुए जुन्नर तथा पैठण जाते थे। पैठण बाद में सातवाहन शासकों की राजधानी बन गया था। यहाँ आने वाले ज्यादातर व्यापारी बौद्ध हुआ करते थे, जो दलों में चलते थे। यही वजह है कि पश्चिमी घाटों में हमें कई बौद्ध गुफाएं नजर आती हैं। कान्हेरी और भाजा गुफाएं इसका शानदार उदाहरण है। नानेघाट में दीवारों को तराशकर बनाई गई पत्थर की सीटें दिखाई पड़ती हैं, जो शायद यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों के आराम के लिए बनाई गई होंगी। नानेघाट से हमें न सिर्फ उस समय की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि उस समय के उभरते राजनीतिक सत्ता केंद्र का भी पता चलता है। नानेघाट से दूसरी तरफ जाने के पहले आपको एक दीवार पर अभिलेख नजर आएगा, जो 2000 साल पुराना है। इन अभिलेखों से हमें सातवाहन रानी नागनिका द्वारा व्यापारियों को दिए जाने वाले अनुदानों के बारे में पता चलता है। ये गुफाएं शायद रानी नागनिका ने ही बनवाई थी। नागनिका सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुका के पुत्र सत्कर्णी प्रथम की पत्नी थी। यहाँ इस गुफा में कभी नागनिका सहित सातवाहन शासकों की आदमकद मूर्तियाँ होती थी। सातवाहन साम्राज्य में नागनिका का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि उन्होंने साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। उनके पिता इस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण महारथी प्रमुख थे। मौर्य काल के बाद सातवाहन ने दक्कन के ज्यादातर क्षेत्रों पर राज किया था। लाभकारी व्यापार और रोम में भारतीय सामान की अधिक मांग की वजह से सातवाहन साम्राज्य खूब फुला फला। सातवाहन के शासनकाल में उपमहाद्वीप और रोम के बीच बहुत व्यापार होता था। इस दौरान में कपड़े, सिल्क और शहद का खूब निर्यात होता था। सातवाहन शासकों ने हालांकि पैठण को अपनी राजधानी बना लिया था, लेकिन नानेघाट से तब भी उन्हें अच्छा खासा राजस्व मिलता था। तीसरी सदी के आते आते सातवाहन साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट गया, लेकिन इसके बावजूद मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक परिवहन के लिए नानेघाट का इस्तेमाल जारी रहा। लेकिन पुर्तगालियों के शासनकाल में यातायात बॉम्बे की तरफ मुड़ गया और इस तरह नानेघाट का महत्व खत्म हो गया और इसका इस्तेमाल सिर्फ आदिवासी ही करने लगे थे। 2000 साल पहले इस पश्चिम घाट के टोल बूथ पर व्यापारियों और उनके काफिलों का मेला लगा होता था, लेकिन आज यहाँ बस एक घड़ा रह गया है और एक संकरा सा रास्ता है, जो आपको दूसरी तरफ ले जाता है।